ये अहमदियत के चमकते सितारे हैं, अपने पीछे एक नमूना छोड़ कर गए हैं। अल्लाह ताला इनकी औलादों और नस्लों को भी इखलास व वफा में बढ़ाए। दुश्मन समझता है कि इनकी शहादतों से इस इलाके में अहमदियत ख़त्म कर देगा, लेकिन इंशाअल्लाह पहले से बढ़कर अहमदियत यहाँ बढ़ेगी और पनपेगी। आखिर मैं हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का एक दुआ पेश करता हूँ। आप फरमाते हैं, ये मत ख्याल करो कि खुदा तुम्हें ज़ाया कर देगा। तुम खुदा के हाथ का एक बीज हो जो ज़मीन में बोया गया। खुदा फरमाता है कि यह बीज बढ़ेगा और फूलेगा और हर एक तरफ से इसकी शाखें निकलेंगी और एक बड़ा दरख्त हो जाएगा इंशाल्लाह। बस मुबारक वो जो खुदा की बात पर ईमान रखे और दरमियान में आने वाले इब्तलाओं से ना डरे, क्योंकि इब्तला का आना भी ज़रूरी है ताकि खुदा तुम्हारी आजमाइश करे। बस ये कुर्बानी करने वाले तो इस आजमाइश में पूरे उतरे, अब पीछे रहने वालों का भी अपने ईमान और यकीन में बढ़ने का इम्तिहान है। अल्लाह ताला इनको भी तौफीक दे और हमें भी तौफीक दे कि हम अपने ईमान और यकीन में कामिल रहें। अल्लाह ताला इन शहदा के मुकाम को बुलंदतर फरमाता चला जाए, इनकी कुर्बानियों को वो फल फूल लगाए जिसके नतीजे में हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी तालीम को जल्द अज़ जल्द दुनिया में हम फैलता देखने वाले हों। जहालत दुनिया से ख़त्म हो और खुदा वाहिद की हकीकी बादशाह दुनिया में कायम हो जाए।